हाय फ्रेंड्स, मैं सेल्फ कुणाल चंद्राकर, माय यूट्यूब चैनल इस ज्ञान की धारा। जय श्री राम। आज मैं आपके लिए नियम लाया हूँ। नियम से बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। नियम बहुत ही मजबूत चीज़ होती है और मैं अच्छे अच्छे नियम लाया हूँ। आज भी तीन प्रकार के नियम लाया हूँ। नियम नंबर 57, 58, 59, 60। तो आज नियम बताने वाला हूँ, जो जैसे किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसे आजकल लोग खाली समय मिला तो दूसरों की निंदा में समय गुजारते हैं कि ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, वो वैसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर निंदा करोगे तो भगवान आपसे दूर चले जाएंगे और भगवत प्राप्ति का मार्ग है वो रुक जाएगा। आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और ये चीज़ तो बाधक है ही भगवान की प्राप्ति के लिए। और एक अहंकार, जैसे किसी को अहंकार आ जाता है कि मैं करता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो ये भी बाधक है भगवान की प्राप्ति के लिए। तो ये दो चीज़ों से बचना चाहिए, अहंकार, राग, द्वेष, निंदा, ये सब से बचनी चाहिए। और जैसे इससे पाप भी लगता है दूसरों की निंदा करने से, और किसी के मुख से सुन रहे हैं निंदा तो भी पाप लगता है। तो और जिसको हम निंदा कर रहे हैं उसका पाप भी हमको लग जाता है। तो और हमारे पुण्य छीन होने लगते हैं। पशु, वनस्पति, मनुष्य और ऋतुओं की निंदा नहीं करना चाहिए। जैसे कई लोग ऋतुओं की भी निंदा करते हैं, गर्मी ज़्यादा लग रहा है, ये लग रहा है, ठंड ज़्यादा लग रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज बहुत ठंडा है, बरसात है, गर्मी है, ऐसा नहीं। जो करे सब ठीक है बोले, मतलब भगवान जो भी करता है ठीक के लिए करता है। पर निंदा महापाप है और पर निंदा महा अभिराम है। तो पर निंदा दुख है और दुख का कारण बनता है। जैसे कि शास्त्रों में आता है, महादुखम न तपस्या पातकम पर निंदा। पर निंदा महान पाप है, पर निंदा महान भय है, पर निंदा महान दुख है, पर निंदा से बढ़कर कोई पातक नहीं है। अब नियम नंबर 58, केवल एक ही बात पे भगवान को ना चाहो तो भी भगवान मिले। भगवान को ना मानो तो भी भगवान मिले। भगवान को ना मानो तो संसार को भी ना मानो। ऐसे कई लोग बोलते हैं भगवान होते नहीं हैं, मानते ही नहीं। तो ज़रा सोच के देखिए, हम किसकी शक्ति से बोल रहे हैं, किसकी शक्ति से हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। वो सब भगवान की अल्हादनी शक्ति है, भगवान की चैतन्य शक्ति है। तो भगवान की चैतन्य शक्ति है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको लोग जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन भगवान की शक्ति है, बहुत ही महान होती है। और भगवान स्वयं हैं और कई लोगों को दिखे भी हैं हनुमान भगवान, और आज भी दिख रहे हैं कई लोगों को। सूर्य भगवान भी आज भी हैं, सूर्य भगवान है, चंद्रमा भी दिखता है लोगों को। ये तो एक है कि सही में भगवान होते हैं और उसका प्रत्यक्ष दर्शन भी हो रहा है, लेकिन फिर भी कई गधे लोग मानते ही नहीं। क्या बोलोगे? अपने को ही महान समझते हैं, अपने अहंकार में जीते हैं। तो नियम नंबर 59, जैसे श्वासोश्वास में जप करने के बाद हम खोजे अपने आप को कि मैं कौन हूँ। जैसे श्वासोश्वास का जप किए, ओम एक, ऐसा करके हम 10-12 गिनती कर लें, फिर सोचे कि मैं कौन हूँ। ऐसे अगर हम प्रश्न करते रहेंगे बीच बीच में, तो अंदर से आवाज़ ज़रूर आएगी कि मैं आत्मा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, करने साधना करते रहने से पता चलेगा और आत्मज्ञान भी अंदर से आना शुरू हो जाएगा। अगर हम अच्छी साधना हमारी स्ट्रांग होने लगेगी तो अपने आप ज्ञान आएगा, क्या कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब ज्ञान आने लगेगा और हमसे अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगेंगी। तो जितना हो सके साधना अपनी स्ट्रांग रखें और रोज़ 2 से 4 घंटे तक अपने आप के लिए भी समय दें। लोग दूसरों के लिए समय तो दे रहे हैं, लेकिन अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं। अपने भजन पूजन के लिए भी समय निकालें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग खाने के लिए समय निकालते हैं, घूमने के लिए समय निकालते हैं, सब चीज़ के लिए समय निकालते हैं, लेकिन जिस भगवान ने हमको 24 घंटा हर रोज़ दे रहे हैं, उनके लिए 1 घंटा या आधा घंटा भी लोग नहीं निकाल रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है।
क्योंकि जिस भगवान ने हमको जीवन दिया उनको भूलना नहीं चाहिए, उनके उपकार को, उनकी कृपा को नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद।